कितनी बड़ी संख्या में ये मिसाइलें दागी गई हैं, कितनी बड़ी संख्या में। और इन्हीं में से कुछ ऐसे बॉम्ब होते हैं, कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जो इलाकों पर गिरती हैं और वहां पर उसके बाद धुआं उठता हुआ वो गुबार देखेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ लेबनन से अशरफ वानी और हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन जुड़ रही हैं। गीता, हमले की आशंका थी, सब सोच रहे थे ईरान क्या ऐसा करेगा, लेकिन आखिरकार जो इस समय हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो अलर्ट समय भी आ रहे हैं, गीता हम दर्शकों को यह भी बता दें कि दरअसल वहां पर हर एक जो नागरिक है और जो लोग वहां पर हैं, जो रहते हैं, उनके पास एक ऐप इजराइल की ओर से मिलता है जिसमें आप अगर डाउनलोड करें तो आपको वो अलर्ट्स आते हैं। और अगर आप अभी देखें तो बमों के गुच्छे आपको नजर आएंगे अलग अलग शहरों पर गिरते हुए। गीता, ये एक बहुत बड़ा समय, एक ऐसा काल है जहां पर अमेरिका को निर्णय लेना है और उस पर निर्भर करेगा कि दुनिया में किस तरह की शांति बनी रहती है या फिर नहीं बनी रहती है। गीता, बिल्कुल श्वेता, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े हैं ईरान ने। जैसा आपने सही कहा कि के पास ऐप है, ये जो अलर्ट्स हैं वो हर जगह अब आपको सुनाई दे रहे हैं, साइरन्स। लेकिन इससे पहले ही दिन में जब हम कुछ इजरायली लोगों से बात कर रहे थे इंटरव्यूज के लिए, उन्होंने कहा कि शाम होते होते उन्होंने कहा कि हमें अलर्ट्स आ गए हमारे एप्स में, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बॉम्ब शेल्टर्स में जाना जरूरी है। और बॉम्ब शेल्टर्स में गए, खबर आया कि अमेरिका ने इसराइल को बताया है कि ईरान मिसाइल्स दागने वाला है। और अब अगर आप देखें तो मिसाइल्स फायर कर चुके हैं, 300 से ज्यादा मिसाइल्स हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता, एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है उस आयरन डोम की, और उस कैपेसिटी को एक्सीड करने के बाद आयरन डोम को ब्रीच करने लगता है मिसाइल्स। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि काफी सारे मिसाइल्स हैं जो आयरन डोम को ब्रीच कर चुके हैं। देखना ये होगा कि नुकसान कितना है, लेकिन देखना ये भी होगा कि अब इसराइल का जवाब क्या होगा, क्योंकि अब ये एक प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा। अब तक आपने देखा कि मिसाइल्स ईरान से हिजबुल्ला तक पहुंचते हैं, या फिर इराक में जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पहुंचते हैं, या फिर सीरिया या यमन पहुंचते हैं और वहां से मिसाइल दागे जाते हैं इसराइल के खिलाफ। लेकिन ये जब हमने सीरिया में इरानियन कमांडर्स को मार दिया गया था इसराइल की तरफ से, तो उसके बाद ईरान ने मिसाइल्स दागे, इसराइल ने जवाब दिया और फिर वहीं पे खत्म हो गई थी बात। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे मिसाइल्स ईरान ने छोड़े, क्योंकि इसराइल के एक्शन जो लेबनान में हुए हैं हसन नसरल्ला को लेकर हुए हैं और उसके खिलाफ, तो बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है। देखना होगा कि इसराइल का जवाब क्या होगा। इसराइल अगर जवाब में ईरान को बॉम्ब करता है तो श्वेता इसे एक फुल ब्लोन